हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉमर्स यानी कि आप लोग के बीकॉम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आप लोग के कॉमर्स से आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कॉमर्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या फिर वो मनी बैंकिंग से हों या फिर वो बिजनेस रिलेटेड हों, वो सारे आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बता दें कि आप लोगों ने अभी बीकॉम के लिए पर्टिकुलर वीडियोज़ अपनी नहीं देखी या फिर वो एक्सपीरियंस DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हो, या फिर वो LU यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो, उनके लिए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस पे पर्टिकुलर वीडियोस अपलोड है। उसमें बारीकी से बताया गया है किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको उस वीडियो को देखना है। एंड फ्रेंड, जो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस पर Part 1 वीडियोज अपलोड कर दी गई कुछ दिन पहले। उस पर अच्छी एक्टिविटी, अच्छा लाइक कमेंट आने की वजह से हमने आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट किया, जितने भी एक्सपीरियंस से बार बार कॉल मैसेज कर रहे थे कि Part 2 कब आने वाला है। तो फ्रेंड्स, Part 2 आज की इस वीडियो में आप लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कॉमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी आप तक Part 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग DDU की प्लेलिस्ट या लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट चेक करो, आप लोग के वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखें, उसके बाद Part 2 देखें। ठीक है, आप लोग को देखिए, आप लोग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कवर किए जा रहे हैं, या फिर वो आपके क्वेश्चन हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, या फिर आप लोग के मैथ के हों, फिजिक्स केमिस्ट्री, सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। आप लोग की अच्छी एक्टिविटी, अच्छा आप लोग के लिए लाइक कमेंट करते हो, तो जो Part 3 है आप लोगों के लिए जल्द ही लाया जाएगा। ठीक है, देखिए आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि हास्य एक प्रक्रिया है। फ्रेंड, देखिए हास्य एक प्रक्रिया, इसमें आपको चार ऑप्शन मिलता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, संयोजन की प्रक्रिया है, गणना की, या विभाजन वितरण की। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आज की जो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य एक प्रक्रिया। तो विभाजन यानी वितरण की प्रक्रिया को हास्य की प्रक्रिया कहते हैं, यानी एलोसिएशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, साझेदारी उत्पन्न होती है। साझेदारी, अब बताइए, साझेदारी जन्म से होती है, हैसियत से, संबंध से, या समझौते से? तो फ्रेंड्स, जो आपकी साझेदारी है वो संबंध यानी रिलेशनशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संबंध रहेगा तभी साझेदारी उत्पन्न होती है, यानी पार्टनरशिप जो होता है वो रिलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। फ्रेंड, देखिए कि आज की इस वीडियो में आप लोग को सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक नोटबुक बनाएं, सारे क्वेश्चन को नोट करें। आप लोग Part 1 को नोट किए होंगे, ऐसे ही उसमें आप लोग ऐड कर दो जो आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी होगी। फ्रेंड, देखिए इस वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन है कि भारत का लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना इस वर्ष हुई थी। भारत का लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1980 यानी 1980 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, जितने फ्रेंड्स हमारे एक्सपीरियंस जो CBSE पैटर्न के, उनके लिए भी क्वेश्चंस साइड में चल रहे हैं, उनको वो अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, एंड UP बोर्ड को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक अभिहित खाता, फिर सेकेंड ऑप्शन एक वास्तविक खाता, सी एक व्यक्तिगत खाता, एंड डी एक विवरण पत्र। तो फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एक बहित खाता। आप लोग का राइट आंसर ए नॉमिनियल अकाउंट, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है कि एक फर्म की ख्याति है। फर्म की ख्याति यानी चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, या काल्पनिक संपत्ति? तो फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संपत्ति को एक फर्म की ख्याति कहते हैं। फ्रेंड, देखिए जो क्वेश्चन हैं सारे आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम लोग का सामने आप लोग के सामने कवर कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों को बट्टे यानी कटौती पर निर्मगत करते समय बट्टे की अधिकतर दर होती है। फ्रेंड्स, अंशों को बट्टे पर निर्गमन करते समय बट्टे की अधिकतम दर कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 5%, 10%, 15%, 20%। तो 20% आपका राइट आंसर, यानी कि अंशों की जब कटौती होती है, उसमें निर्गमन करते टाइम जो बट्टे की अधिकतम दर होती है वो 20% होती है। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने फ्रेंड्स यहाँ पर समता अंशों पर
पूर्वाधिकार अंशों पर ऋण पत्रों को एंड इन सभी को। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऋण पत्रों को, यानी कि जो एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं ऋण पत्रों पर, ठीक है, ऋण पत्रों पर वो कंपनी अपना जो है परचेस कर सकती है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले बोल दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और डेली बेसिस पे टारगेट गुरुकुल को आप सर्च करते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को टॉप पे शो करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट हैं, एक नोटबुक बनाकर सारे क्वेश्चन आप नोट कर लें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप टारगेट गुरुकुल के थ्रू ही अपनी तैयारी करो, देखिए आप लोग खुद भी अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पैटर्न मिल रहे हैं, आप लोग को एक आइडिया मिलती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आप लोग अपनी गति दीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मद कंपनी की प्रार्थी पूंजी की हिस्सा नहीं है, होती है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सी मद कंपनी की प्रार्थित पूंजी का हिस्सा नहीं होती है, तो फ्रेंड्स यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बोनस अंश, यानी जो बोनस अंश होता है वो मद कंपनी की प्रार्थी पूंजी की हिस्सा नहीं होती है। फ्रेंड्स ऐसे देखिए जो बीकॉम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने शेयर किए जा रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट बीकॉम के हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें वो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे क्वेश्चन आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स हम बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों या फिर DDU के, सबका सिलेबस सेम रहने वाला है, दोनों लोगों का जो कॉमर्स है, आप किसी यूनिवर्सिटीज फॉर्म में अप्लाई करो लखनऊ BHU तो आप लोगों का जो कॉमर्स पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन जो सेम आते हैं, ठीक है। पैटर्न आप लोगों का चेंज क्या होते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग नहीं पूछता, किसी में रीजनिंग हिस्ट्री जियोग्राफी पूछ देता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री जियोग्राफी रीजनिंग नहीं आती, बट कॉमर्स से आप लोगों के क्वेश्चन सेम आने वाले हैं, तो सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, पर्टिकुलर वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को ऋण पत्रों को रद्द करने से लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, यानी स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, तो फ्रेंड जो इसका ऑप्शन नंबर ए सामान्य संचय से, ठीक है, यानी जनरल रिजर्व से आप लोग स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से जो लाभ के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्रेंड देखिए जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों से क्या बोलता है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर यानी कि आप लोगों के पुरानी फॉर्म को समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी का फॉर्म दोनों का समापन हो जाता है, न तो साझेदारी और न ही फॉर्म का समापन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, आप लोग का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक नए साझेदार जब आप लोग के बिजनेस में आते हैं तो पुरानी साझेदारी समापन बंद हो जाता है, वहाँ से एक नई साझेदारी चलती है, ठीक है। तो आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, अगर आप टारगेट गुरुकुल के व्हाट्सअप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर अपना नाम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम लिख के आप सेंड कर दो, वहाँ पर आपको ग्रुप में ज्वाइन करके आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। जल्द से जल्द अपना नाम, कॉलेज नेम सेंड करो और व्हाट्सअप पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी मद तलपट में डेबिट शेष प्रदर्शित करती है। अब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए शो कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चंस क्या है, कौन सी मद तलपट में डेबिट शेष प्रदर्शित करती है, तो फ्रेंड्स ऋण वापसी, यानी जो क्रय ऋण वापसी होती है वो वहाँ पर डेबिट शेष प्रदर्शित करती है, ठीक है। जब आप लोग मद तलपट में डेबिट शेष प्रदर्शित करती है तो वहाँ पर ऋण वापसी जो होता है, यानी परचेज रिटर्न होता है, वो वहाँ पर शो होता है, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है, परिशोध कमीशन की गणना की जाती है, तो फ्रेंड्स कुल विक्रय पर, यानी जितना भी वहाँ पर टोटल सेल होता है वो आपका वहाँ पर कमीशन, यानी परिशोध कमीशन पे वहाँ पर जो टोटल सेल होता है उसकी वहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है, जो वहाँ पर कॉमर्शियल कैलकुलेशन होता है वहाँ पर किया जाता है टोटल सेल्स पर, ओके। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित लेखांकन प्रमाप में से कौन सा अस्थाई संपत्तियों से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर पे फोकस करिए। निम्नलिखित लेखांकन प्रमाण में से कौन सा अस्थाई संपत्तियों से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर AS10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय विपत्र का लेखक होता है, विनिमय विपत्र का लेखक कौन होता है। फ्रेंड्स तो लेनदार, यानी जो वहाँ पर क्रेडिटर होता है वो विमन पत्र का लेखक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि आय अर्जित मानी जाती है,
आय अर्जित मानी जाती है फ्रेंड्स। आप लोग का जो यहाँ पर जब विक्रय किया जाता है, जब माल निर्मित होता है, जब माल भेजते हैं, जब रोकड़ प्राप्ति होती है, ठीक है। तो फ्रेंड जब आप लोग रोकड़ प्राप्ति करते हो, यानी कि जब कैश रिसीव करते हो, ठीक है, उस टाइम जो आय अर्जित होती है उसे आप लोग जब कैश रिसीव करते हो उसे आय अर्जित मानी जाती है। यानी कि जो आप लोग का जो पैसा मिलता है उसे आप लोग को आय जो आती है उसे आय बोलते हैं, ठीक है। यानी जब पैसा लेते हो तो उसे आय अर्जित बोलते हैं। तो रोकड़ की प्राप्ति को आप आय अर्जित मान सकते हो, ठीक है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ओके, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे नोट करें पहले आप नोटबुक पे। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने BHU का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखे गए थे। फ्रेंड्स मैं एज ए स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में आती हैं, जितनी उलझनें आती हैं, सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी हुई है, सारे प्रॉब्लम्स को आपको नहीं होना देना चाहते। जैसे मैं पहले डाउट होता है कि हमें पता नहीं होता किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो गए कि BCom में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग पार्ट सेकंड देख रहे हैं, पार्ट वन जरूर देखें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स पार्ट थर्ड जल्द आने वाला है, वीडियो को अच्छे से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स जो एडम स्मिथ थे उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने, तो ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को तीनों ऑप्शन को इग्नोर करना है, ऑप्शन नंबर ए पे अपना फोकस रखना है, ठीक है। फ्रेंड देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता होती है। न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, समांतर। तो फ्रेंड्स अधिकतम, यानी कि जब सीमांत प्रतियोगिता शून्य हो जाती है तो कुल प्रतियोगिता को हम अधिकतम मानते हैं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये रही आप लोग के BCom के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड में कवर किए गए हैं। पार्ट वन में आप लोगों के 20-25 क्वेश्चन कवर किए गए थे। ऐसे फ्रेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा गए, पार्ट थर्ड में आपके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो BCom की 3 सीरीज लाने वाले थे, तीसरी सीरीज आ गई, उसके बाद जो आपकी वीडियोज जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, यानी जी कितना कट ऑफ आप लोगों का इस बार जाने वाला 2021 एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।